हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2021 एग्जाम के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोगों की नीट एग्जाम के रिगार्डिंग गाइस एक जो अपडेट आई हुई है, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स जो गाइस यहाँ पे जो परेशान है कि नीट का एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा, नीट 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, कब आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट हो सकता है, हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे गाइस नीट 2021 के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है, जैसे या तो एप्लीकेशन रिलीज होता है या कोई भी अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, हम आपको तुरंत वीडियो के थ्रू अलर्ट करके आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगी, उस लिंक पे क्लिक करना, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहां पे आप देख सकते हैं, आपको ऊपर हेडिंग में कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, नीट 2021 पोस्टपोन्ड टू अगस्त एंड और सितंबर। तो गाइस यहां पे आज से आपको अंदाजा मिला कि आप लोगों का नीट का जो एग्जाम है यहाँ पे जो है पोस्टपोन किया जा सकता है अगस्त एंड पे या तो सितंबर के मंथ में। तो गाइस यहाँ पे इस तरह से क्यों कहा जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इसे मैं जूम कर दूँ ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी बढ़ जाए। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो फाइनल डिसीजन और नीट यूजी 2021 जो है वो डायरेक्टली गाइस यहाँ पे स्कूल बोर्ड्स के एग्जाम से जो है इससे रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि गाइस जैसे कि आपको पता है कि कई सारे मोस्ट ज़्यादातर जितने भी बोर्ड्स हैं उन्होंने उनका जो है बोर्ड एग्जाम यहाँ पे स्टेट्स ने कैंसिल कर चुके हैं, लेकिन कोई कुछ गिने चुने बोर्ड्स है जैसे कि आसाम बोर्ड हो गया, एपी हो गया, जिन्होंने उनका एग्जाम जो है कंडक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए गाइस जो फाइनल डिसीजन रहेगा यहाँ पे वो आसाम बोर्ड्स के एग्जाम के ऊपर रहेगा, और आसाम बोर्ड का एग्जाम का गाइस फाइनल डिसीजन यहाँ पे जो है 18 जून को गाइस यहाँ पे लिया जाने वाला है, कि आसाम बोर्ड जो है गाइस आसाम बोर्ड का एग्जाम यहाँ पे जुलाई एंड या तो अगस्त में कंडक्ट किया जाएगा। इसीलिए गाइस यहाँ पे आप लोगों का नीट का एग्जाम पोस्टपोन्ड होने के जो चांसेस है, क्योंकि अगर आसाम बोर्ड अगर कंडक्ट किया जाएगा तो आप लोगों का गाइस यहाँ पे नीट 2021 का एग्जाम जो है या तो एंड ऑफ सेप्टेम्बर या तो फर्स्ट वीक सॉरी एंड ऑफ अगस्त या तो फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब गाइस ये क्यों हो रहा है इस तरह से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आसाम बोर्ड का गाइस एपी बोर्ड का गाइस नीट 2021 से क्या लेना देना है। तो जैसे कि आपको बताया कि नीट जो है नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो गाइस अगर कोई भी सिंगल बोर्ड यहाँ पे नीट के एग्जाम के साथ क्लैश हो रहा है और वो लोग जो है गाइस नीट के एग्जाम के लिए नहीं अपेयर कर पाएंगे यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स की वजह से, तो गाइस ये उनके साथ अनफेयर होगा। इसलिए यहाँ पे नीट का एग्जाम जो है अगस्त में कंडक्ट नहीं किया जाएगा अगर कोई भी बोर्ड एग्जाम यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करता है नीट के डेट्स के आसपास। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे आपके पूरे पूरे चांसेस है, अगर आसाम बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट किए जाते तो आपका नीट 2021 का एग्जामिनेशन जो है वो या तो अगस्त एंड या तो फिर आप लोगों का जो है फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर में कंडक्ट किया जाएगा। इसके पहले आप लोगों की जो नीट की एग्जामिनेशन डेट है वो यहाँ पे फर्स्ट अगस्त में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, लेकिन अगर आसाम बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट होंगे तो आपका नीट का एग्जाम फॉर श्योर यहाँ पे पोस्टपोन होने वाला है। अब गाइस अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के नीट 2021 की और कोई भी नई अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको जो सबसे पहले नोटिफाई किया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।